न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 26 अक्टूबर बुधवार को सुबह 11 बजे पर्यावरण विदों के साथ गोवर्धन पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, ये पर्यावरण बचाने का भारत का बहुत प्राचीन अभियान है जिसको कृष्ण जी ने शुरू किया था। मैं रोज पेड़ लगाता हूँ, लेकिन पर्यावरण बचाने का अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर चले, इसलिए मैं भोपाल में गोवर्धन पूजा करूंगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल जिले के अंकुर अभियान के प्रतिभागियों के साथ वृक्षारोपण और संवाद भी करेंगे। इस अवसर पर सभी 52 जिलों से अंकुर अभियान के प्रतिभागी भी वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमने तय किया है 26 तारीख को, इस बार दिवाली अब आपके बाद एक दिन लेट चलेंगी दूज और बाकी चीजें, क्योंकि ग्रहण का दिन आ रहा है। गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होगा। अब ये गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये पर्यावरण बचाने का भारत का बहुत प्राचीन अभियान है जिसको कृष्ण जी ने शुरू किया था। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, लेकिन पर्यावरण बचाने का अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर चले, इसलिए मैं भोपाल में गोवर्धन पूजा करूंगा। मंत्री अपने जिलों में कर सकते हैं, स्थानीय जिले में भी, क्योंकि उस दिन हम ये बाध्यता नहीं रखेंगे कि प्रभार के जिले में ही जाए। और एक कार्यक्रम गोवर्धन पूजा का जो पर्यावरण से जोड़ के हर जिले में हम करेंगे, और मैं यहां से भोपाल से जुड़ूंगा। अंकुर का जो पोर्टल बना है वो रस्मी ना रह जाए, लोग जुड़े लगातार, जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, खुशी के मौके पर पेड़ लगाएं, उस दिन पर्यावरण से जुड़े जितने लोग हैं वो सब इकट्ठे हों। यहां से कुछ मैं संदेश दूंगा, कुछ वहां करेंगे, तो पर्यावरण के लिए परमानेंट एक माहौल बनेगा। अकेला मुख्यमंत्री काय को पेड़ लगाए, क्या उसके अकेले पेड़ लगाने से पूरा हो जाएगा? भैया, जनता के स्वभाव में प्रकृति की रक्षा का भाव, पर्यावरण बचाने का भाव पैदा होना चाहिए, इसलिए गोवर्धन पूजा।